Hello, guys, how are you? My name is Shivam Dyagi. Welcome to Study Funda. So, here is the complete newspaper analysis of 2 to 3rd June 2021. Let's start the session. Our first news is. <clears throat> तो हमारा कोर्स लॉन्च हो चुका है आराम टू जो भी बच्चा इसमें चाहे तो इनरोल हो सकता है कम्पलीट कोर्स है फॉर पेपर वन फॉर पेपर टू इसमें आपको सब कुछ मिलेगा वीडियोज़ टेस्ट सीरीज सब कुछ जो भी इनरोल हम कर सकते थे पूरा हमने इसको एक कंबाइंड ग्रुप बनाया है तो आ, ये इनॉल कर सकते हैं और मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं ताकि आपको थोड़ा डिस्काउंट हो जाए शिवम टेन जो है वो कूपन कोड है डिस्काउंट लेने के लिए किसी को डाउट है तो मेरे को व्हाट्सएप पे इंक्वायरी कर सकते हैं हमारी टीम आपसे बात कर लेगी ठीक है कंप्लीट कोर्स है और भी हमने डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज बना दिए जैसे किसी को पेपर वन की केवल टेस्ट सीरीज़ चाहिए पेपर टू की टेस्ट सीरीज़ चाहिए तो आप चुपचाप जाइए आप एंड्रॉइड आई किसी पर भी स्टडी फंडा हमारा एक ऐप है उसमें जाके आप इन्वॉल्व हो सकते हैं ठीक है तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए जिसको जो सूट करता है हम अपनी न्यूज की तरफ चलते हैं गिव डिटेल्स ऑन स्कीम फॉर ऑर्फन चिल्ड्रन से सुप्रीम कोर्ट तो जो भी ये वही न्यूज़ है जो हम पहले से फॉलोअप करते हुए आ रहे हैं ये वही न्यूज़ है कुछ नई न्यूज़ नहीं है ये है कि जिन बच्चों के माँ बाप कोविड नाइन्टीन से मर गए हैं उन बच्चों का अब क्या किया जाए वो अनाथ हो चुके हैं तो उनकी जो अभी क्या है कि इसकी भी ब्लैक मेलिंग भाई इंडिया में इतना बुरी स्थिति है कि कुछ चीज़ होती है बच्चों तक की मतलब ब्लैक मेलिंग करने लग गए हैं कि मतलब बेच रहे हैं उनको भी तो अब मैं क्या बोलूँ इससे बुरी बात कुछ हो नहीं सकती तो सुप्रीम कोर्ट ने कही है जो भी बच्चे अनाथ हुए हैं उनकी रिपोर्ट हमें सारी चाहिए फिर हम डिसाइड करेंगे कि कैसे किसके साथ क्या करना है तो इसमें आपको बस याद रखना है सेंटर ने प्रोमिस करा है पीएम केयर्स फंड से कि क्या क्या होगा अपने काम करनी का है अपने काम का है कारा है यहाँ लिखा नहीं है याद रखिएगा बस ये कारा वर्ड याद रखिएगा ये किससे रिलेटेड है तो ये चाइल्ड अडोप्शन से रिलेटेड है बस एक ये वर्ड याद रखना है यहां लिखा नहीं है कहीं वर्ड लेकिन पूछा आपसे जाएगा ये कारा ये कुछ नहीं पूछेगा कोई भी आपसे पूछेगा ये कारा कारा की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स रिसोर्स अथॉरिटी किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इसके अंदर आता है और इसका काम है चाइल्ड अडॉप्शन भले वो इंटर स्टेट हो इंटर स्टेट मतलब स्टेट टू स्टेट भले इंट्रा स्टेट हो नेशन टू नेशन जैसे इंडिया से बांग्लादेश बांग्लादेश से इंडिया कोई भी जा रहा है तो उसमें कारा का रोल होता है जब कारा परमिशन देगी तभी आप बच्चे का या किसी भी अनाथ बच्चे को आप किसी दूसरे माँ बाप को दे सकते हैं ठीक ये न्यूज़ थी, जो बस आपको कार्य याद रखना है किससे रिलेटेड चाइल्ड अडोप्शन से रिलेटेड बस आगे चलते हैं कोविड नाइन जो फ्लोज है इंक्रीज कर रहा है सर्ज मतलब बढ़ रहा है तो क्या रीजन है जो एफडीआई ये बढ़ रहा है? क्या है सही बात है अनप्रेजेंटेड शॉर्ट टर्म फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आर एंटायरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्ज ये देखिए क्या चीज लिख रही है अनप्रेजेंटेडेड शॉर्ट टर्म फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टेड जो शॉर्ट टर्म जो फॉरन एफ पी आई जो आ रहा है शॉर्ट टर्म एफ पी आई जो आ रहा है उस वही है एंटायरली रिस्पॉन्सिबल सर्ज के लिए जो बढ़ रहा है एफ डी आई ये एफ डी आई नहीं बढ़ रहा है ये एफ पी आई बढ़ रहा है एफ पी आई के चक्कर में लोगों को लग रहा है कि एफ डी आई भड़ गया ओवरऑल जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो बढ़ गया है मैं आपको कई बार बता चुका हूं एफ डी आई क्या होता है एफ पी आई होता है अब आपको कन्फ्यूज होने की अब मेरे को नहीं लगता है कन्फ्यूज कोई होगा मैं आपको फिर भी बता देता हूँ एफ डी आई होता है फॉरन ये दोनों जो है ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी एक करेंट कैपिटल अकाउंट का पार्ट है कैपिटल अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो तरीके के अकाउंट होते हैं मैं आपको कई बार बता चुका हूं एक करंट अकाउंट जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है कैपिटल अकाउंट ये कैपिटल अकाउंट का पार्ट है एफ डी आई ये होता है फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफ को ही हम बोल देते हैं एफ दोनों सेम ही है ये फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या फॉरन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है इसमें क्या होता है एफ में जो आप पढ़ लीजिएगा पॉज करके क्या क्या होता है मैं आपको केवल हिंदी में समझाता हूँ एफ में कुछ नहीं होता अगर जैसे मैं आपको कई बार एग्जाम्पल दे चुका हूँ अमेजोन का तो एमेजॉन अगर एफ के थ्रू इंडिया में पैसा लगाना चाहती है तो उसे क्या करना पड़ेगा यहाँ एक फैक्ट्री सेटअप करनी पड़ेगी यहाँ के लोगों को रोजगार देना पड़ेगा यहाँ वेयर हाउस बनाना पड़ेगा लेकिन एफ में क्या होगा अगर वही अमेजन है एफ या एफ में पैसा लगाना चाहती है तो बस वो अपने पैसे को लगा देगी किसी भी शेयर्स में लगा देगी मान के चलिए शेयर्स में लगा दिया लेकिन उसने यहाँ के लोगों को कोई काम तो दिया नहीं यहाँ कोई वेयर हाउस तो दिया नहीं तो इससे क्या होगा अगर कल को क्या होता है कि अगर कल को लोग बोलते हैं कि इंडिया का पैसा तो डूबने वाला है तो एफ आई एफ पी आई वाले लोग क्या करेंगे तुरंत अपना पैसा सारा खींच लेंगे वापस ले जाएंगे लेकिन एफ पी आई वाले अपना पैसा नहीं खींच सकते क्योंकि यहाँ उन्होंने पूरी फैक्ट्री को स्टैब्लिश कर दिया है यहाँ के लोगों को रोजगार देना है यहाँ उनका वेयर हाउस है तो एक बार में पूरा पैसा नहीं खींच सकते इसीलिए एफ पी आई को हम बोलते हैं ओवर नाइट मनी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ ओवर नाइट मनी बोलते हैं कि रातों रात ये पैसा गायब हो जाता है ठीक है एफ में लोग पैसा ज्यादा डालते हैं क्योंकि इसमें पैसा डाल सकते हैं अगर 10 परसेंट से ज्यादा पैसा डालोगे कहीं तो वो हो जाएगा एफडीआई और 10 परसेंट से कम होता है तो होता है एफ मतलब शेयर में तो दोनों में पैसा आ सकता है शेयर मार्केट में इसमें भी लगा सकते हैं शेयर मार्केट में इसमें भी लगा सकते हैं लेकिन अगर दस से ज्यादा होगा तो एफडीआई होता है दस से कम होगा तो एफ होता है ज्यादातर लोग एफ प्रेफर करते हैं क्योंकि पैसे मॉनिटरी वैल्यूज होती है आप जब चाहो अपना पैसा निकाल सकते हो एफडीआई इसीलिए लोग प्रेफर नहीं करते हैं समझ गए तो क्या हो रहा है पुरानी न्यूज देखिए कि बढ़ रहा है फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है जिसकी वजह से हमें ऐसा लग रहा है कि बढ़ गया है। लेकिन ये गलत बात है केवल ये मतलब होता है ना कैलकुलेशन जो ये लोग कर रहे हैं केवल दिखाने के लिए कि बढ़ रहा है तब यह बिल्कुल बात है ये छोटा सा डिस्टिशन था एफडीआई एफ आई के बीच में आगे चलते हैं ब्रिक्स विल हेल्प इंडियन फाइटिंग कोविड 19 से चाइना मिनिस्टर अब मैं क्या बोलूं अब भाई मेंबर हैं ब्रिक्स के तो इन्होंने बोल दिया चाइना वाले बोल रहे हैं कि हम पूरी तरीके से मदद करेंगे आपकी कोविड नाइन्टीन में लड़ने में ये वो ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी तो अपने किसी काम की नहीं है मतलब ऑनलाइन ही मीटिंग है तो हमें ये भी नहीं बता सकता किस जगह पर हुई है। अब बस आपको जो याद रखना है वो ब्रिक्स याद रखना है ब्रिक्स ब्रिक्स में कौन सी कौन सी कंट्री आती है जैसे आपको नाम से पता चल रहा है पांच कंट्री कंट्रियाँ ब्राजील रशिया इंडिया चाइना और साउथ अफ्रीका पहले केवल ब्रिक होता था 2008 में ये गठन हुआ था पहली मीटिंग जो हुई थी वो टू में हुई थी ब्रिक्स की लेकिन बाद में साउथ अफ्रीका भी ऐड हो गया ये फाउंडिंग मेंबर नहीं है साउथ अफ्रीका 2011 में ऐड हुआ है साउथ अफ्रीका याद रखिएगा एक सवाल यही बनता है ब्रिक्स से मेनली कि जो साउथ अफ्रीका है वो फाउंडिंग मेंबर है नहीं साउथ अफ्रीका जो है वो फाउंडिंग मेंबर नहीं है दो हजार में बाद में ऐड हुआ है ठीक है ये अपना हो गया ट्रिप्स ट्रिप्स की फुल फॉर्म याद रखनी है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ट्रिप्स किसके रिलेटेड है मैं आपको कई बार बता चुका हूं ट्रिप्स वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे एग्रीमेंट है उसमें एक ट्रिप्स है जो अभी आईपीआर की बात करता है आईपीआर की क्यों बात करता है क्योंकि जो वैक्सीन लगनी है उसका सबको अब आईपीआर चाहिए इसलिए ठीक है ऐसी एक जो इसमें एक होता है ट्रिप्स होता है एक ट्रिप्स है ये एग्रीमेंट एंड द दोहा डिक्लेरेशन ऑन द ये दोहा डिक्लेरेशन भी ट्रिप्स से रिलेटेड है याद रखिएगा कभी कभी वो दोहा डिक्लेरेशन पूछ लेता है तो दोहा डिक्लेरेशन भी किससे है तो ट्रिप्स से रिलेटेड है बस आपको ये शॉर्ट में याद रखना है डिटेल में हम जाने की जरूरत नहीं है और कुछ काम का नहीं है ठीक है आगे चलते हैं जस्टिस ए के मिश्रा अपॉइंटेड एन एच आर सी सीफ तो मैं आपको पहले लास्ट वाले लेक्चर में बता चुका था पूरा एन एच आर सी का अपॉइंटमेंट कैसे होता है कौन करता है बस इनका नाम याद रख सकते हैं ए के मिश्रा इनको अपॉइंट किया गया हमेशा जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं या रिटायर्ड जज हैं वही बनते हैं एक चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए तो रिटायर्ड जस्टिस हैं यही चुने गए कौन चुनता है तो जैसे आपको ऊपर ही पहली लाइन में संबंध में आ रहा है प्रेसिडेंट रामनाथ गोविंद तो इनको अपॉइंट करेगा करेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेगा और जो कमेटी होगी कौन सी कमेटी जो रिकमेंड करती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ए के मिश्रा जी का नाम वो कौन कौन होती है प्राइम मिनिस्टर साहब होते हैं होम मिनिस्टर साहब होते हैं डेपुटी चेयरमैन राज्यसभा लोकसभा स्पीकर लीडर ऑफ अपोजिशन बोथ लोकसभा और राज्यसभा का दोबारा से मैं बता देता हूँ कौन कौन होते हैं पीएम होता है होम मिनिस्टर होता है डेपुटी चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन होता है दोनों हाउसेस का भली लोकसभा का हो भली राज्यसभा का हो और जो लोकसभा के जो हमारे चेयरमैन होते हैं जो स्पीकर जो होते हैं जो लोकसभा में तो स्पीकर होते हैं तो ये ये सब लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कंपोजिशन जो बताते हैं इन्होंने नम सब ने नाम सजेस्ट करा था ए मिश्रा साहब का ए मिश्रा साहब का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इनको अपॉइंट कर लिया तो पूरा एनएचआरसी का ऐसे गठन होता है ठीक है ये मैं आपको ऑलरेडी डिटेल में समझा चुका हूं जो बच्चों को नहीं समझ आ रहा हूँ लास्ट वाला वीडियो देख सकते हैं मैंने पूरा अच्छे से समझाया हुआ है आगे चलते हैं श्रीलंका कार्गो वेसल फायर एक्सटिंग्विश्ड आवर टू टू वीक्स तो ये मैं पहली बता चुका हूँ आइलैंड नेशन फेसिंग वर्स्ट बीच पॉल्यूशन तो आजकल ये बहुत ज्यादा चल रहा है कहीं ऑयल स्पिल हो जाता है कोई एन, क्या कहते हैं बोट तैर रही होती है ऑयल वाली तो वो फट जाती है तो ऑयल प्लेटफॉर्म पे हो जाता है इस बार क्या हुआ शिप में आग लग गई वैसल में तो इसकी वजह से वर्स्ट बीच पॉल्यूशन हो गया तो बस आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो शिप का नाम है प्रेस पर्ल बस पर्ल याद रखना पर्ल क्योंकि आजकल वो ऐसे सवाल पूछने लग गया है कि किस एयरक्राफ्ट में आग लगी थी उसका नाम बताइए तो बस आपको इसका नाम याद रखना है कहाँ हुआ है तो श्रीलंका के पोर्ट पे हुआ श्रीलंका का कार्गो वेसल है इसका नाम है पर्ल अगर आपने पायरेट्स ऑफ द दे कैरिबियन देखी है तो उसमें एक ब्लैक पर्ल जहाज़ होता है <laughs> किसका जहाज होता है अच्छा ये क्वेश्चन बताइएगा जिन्होंने देखी ब्लैक पर्ल जहाज़ किसका है <laughs> बहुत फेमस जहाज़ है ठीक है आगे चलते हैं न्यू आई टी रूल्स डोंट अप्लाई टू अस गूगल टेल्स कोर्ट तो अभी आपको मैं पहली बता चुका हूँ कि न्यू आई टी रूल्स आए तो सबको न्यू आई टी रूल्स 2021 तो जितने भी लोग हैं उन सबको बोला गया कि आप इसके साथ कॉम्पाई कम्पलाइंस कर लीजिए तो गूगल ने मना कर दिया कि ये आई टी रूल्स हम पे अप्लाई नहीं होते क्यों याद रखिएगा ये सवाल ऑलरेडी बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है क्योंकि गूगल जो है वो एक सोशल मीडिया साइट नहीं है वो एक सोशल मीडिया इंटर साइट तो है नहीं जैसे फेसबुक या व्हाट्सएप है वो एक सर्च प्लेटफॉर्म है याद रखिएगा वो एक सर्च इंजन है कई कई सवालों में मैंने एग्जाम में देखा कि वो लोग क्या करते हैं ऐसे तो गूगल का नाम देंगे गूगल देंगे ऐसी मोड देंगे और क्या कहते हैं इंटरनेट एक्सप्लोर देंगे और अडोबी दे देंगे अब इसमें से पूछेंगे कि इनमें से ये इनमें से फाइंड वन ऑड फाइंड वन ऑड ये सबसे उनका फेवरेट सवाल है कि इनमें से ऑर्ड बताइए तो कैसे बताओगे फाइंड वन ऑड कि गूगल मोड और इंटरनेट एक्सप्लोरर ये तीनों तो सर्च इंजन है और ये अडोबी जो है वो सर्च इंजन नहीं है तो एक सॉफ्टवेयर है तो इसमें ऑड वन क्या आउट हुआ अडो हुआ तो याद रखने पड़ेंगे आपको जितने भी सर्च इंजन है गूगल मोड इंटरनेट एक्सप्लोरर और गूगल और जितने भी होते हैं मेनली ये तीन ही होते हैं एक और आता है क्या कहते हैं ओपरा ओपरा मिनी वो भी एक सर्च इंजन है तो याद रखेंगे कुछ सर्च इंजनों का नाम ठीक है गूगल ने मना कर दिया कि हम पे लागू नहीं होगा क्योंकि हम एक सर्च इंजन है ना कि सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरी जैसे फेसबुक ट्विटर है तो हम पे नहीं लगेगा तो अब देखते हैं क्या होता है आगे चलते हैं एडवर्स चेंजेस फेडरलिज्म जो एडिटोरियल है ये रिलेटेड है ये मैं पढ़ा नहीं रहा एडिटोरियल ये केवल मैं आपको बताना चाहता हूँ रिलेटेड है यूनिटरी और फेडरल फीचर्स ये लास्ट वाले लेक्चर में मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ व्हाट आर यूनिटरी फीचर्स एंड वट आर फेडरल फीचर्स यूनिटरी क्या होते हैं और फेडरल क्या होते हैं मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ इस पूरे आर्टिकल में केवल ये लिखा हुआ है कि पहले क्या होता था कि पहले जो पावर थी वो इक्वली सेंटर और सॉरी इक्वली सेंट्रल और स्टेट के पास रहती थी लेकिन अब कुछ कुछ ऐसा नियम चेंज होते रहे कि सारी पावर जो है वो सेंट्रल के पास आती जा रही है जितने भी फेडरल फीचर्स हैं, फेडरल क्या होता है जिसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों का रोल होता है लेकिन यूनिटरी क्या होता है यूनिटरी में केवल मैक्सिमम रोल जो होता है वो सेंटर का होता है तो अब ये पूरे एडिटोरियल में ये लिखा गया कि मैक्सिमम जो फेडरल फंक्शन थे वो सारे यूनिटरी होने लग गए हैं जैसे इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जैसे आपको मैं बताऊं कि एजुकेशन जो एजुकेशन है वो हमारा concur... पहले तो हमारा वो स्टेट लिस्ट का पार्ट हुआ था मतलब उसमें सारी पावर जो थी वो स्टेट लिस्ट के पास थी लेकिन उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया आज ये सवाल है कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से एजुकेशन को स्टेट लिस्ट से उठा के कंकरेंट लिस्ट में रखा गया कंकरेंट लिस्ट में क्या होता है कि स्टेट और सेंटर के पास दोनों के पास पावर आ जाती है तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जिससे एजुकेशन जो स्टेट लिस्ट का पार्ट था उसे कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया आज का क्वेश्चन यही है ठीक है एक चीज तो ये हो गई जो आपको बताती है कि फेडरल से यूनिटरी कैसे चेंज कर रहे हैं दूसरा इन्होंने एग्जाम्पल दिया जीएसटी का तो जीएसटी में क्या है कि जीएसटी को हेड कौन करता है भाई जीएसटी को हेड तो फाइनेंस मिनिस्टर करता है तो ज्यादा पावर किसके पास हो गई ज्यादा पावर तो यूनिटरी हो गई फिर से दोबारा क्योंकि हेड कौन करेगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट का आदमी कर रहा है और इन्होंने क्या करा है कि अभी तक जो इनको पैसा देना चाहिए था जो इन्हें कंपेंसेशन देना चाहिए था सेंटर वालों को स्टेट को वो इन्होंने अभी तक दिया ही नहीं है भाई कोविड नाइन्टीन में तो स्टेट को इतने पैसे की जरूरत थी लेकिन अभी तक सेंटर ने पैसा नहीं दिया है यहां तक कि आपने ये न्यूज सुनी होगी कि जीएसटी में बहुत ज्यादा कलेक्शन हो

द कॉशनरी टेल इन ओसाका एग्जिट तो ओसाका ये बहुत फेमस नेम है आपने सुना ही होगा नाउमी ओसाका ये खिलाड़ी हैं तो उन्होंने फ्रेंच ओपन टेनिस चैंपियनशिप से इनको निकाल दिया गया रीजन इनकी गलती नहीं थी फ्रेंच वाले समझ रहे थे कि हमने बहुत अच्छा काम करा लेकिन नहीं बहुत बुरा काम करा इन्होंने तो क्या हुआ कि ये मैच खेल रही थी तो एक मैच इन्होंने खेला उसके बाद जो मीडिया थी फ्रेंच की जो फ्रांस की जो मीडिया थी वो उन्होंने मीडिया वालों ने इनसे बोला कि आप हमसे बात कर लीजिए तो नाउमी ओसाका जी ने बोला कि मैं थोड़ा मेंटल मेरा सही नहीं है मतलब थोड़ा डिप्रेशन में हुए बहुत करीबन एक साल से डिप्रेशन में हिस्ट्री ऑफ सफरिंग फ्रॉम बाउट्स ऑफ डिप्रेशन एंड सीवियर एंगजाइटी तो कम से कम साल भर से ये डिप्रेशन और सीवियर एंगजाइटी में चल रही है, तो इन्होंने मना कर दिया था कि मैं मीडिया से नहीं मिलूंगी तो फ्रांस वाले पता नहीं क्या हो मीडिया के चक्कर में ऑफेंड हो गए क्या हो गए तो उन्होंने इन्हें निकाल दिया फ्रेंच ओपन टे, टेनिस चैंपियनशिप से और इन पर पंद्रह हजार डॉलर्स का फाइन भी लगाए तो फ्रेंच वाले सोच सोच रहे थे कि हमने बहुत अच्छा काम करा लेकिन इनकी सब जगह थूतू हो गई है इन्हीं को सही माना जा रहा है भाई अगर कोई इंसान डिप्रेशन में तो कैसी मीडिया से बात कर सकता है तो इनके लिए लोग खड़े हो गए हैं हैंड हैंडेड वर्ल्ड ऑफ टेनिस मस्ट ओपन इट्स आइज टू द डेलीकेट सब्जेक्ट ऑफ मेंटल हेल्थ तो मेंटल हेल्थ का ये लोग बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं फ्रेंच ओपन टेनिस चैंपियनशिप वाले ये बहुत फेमस नाम है इन्होंने बहुत सारे टाइटल भी जीते हैं यूएस ओपन दो का टाइटल भी इन्होंने जीता था ठीक है तो ये कुछ न्यूज थी बस इनका नाम याद रखना है नाउमी उषा का फार रीचिंग टैक्स मेजर तो ये किसकी बात हो रही है अभी क्या हो रहा है कि यूएस बोल रहा है कि हम जो है वो यूनिवर्सल टैक्स लगाना चाहते हैं यूनिवर्सल टैक्स किस पे लगाना चाहते हैं कॉर्पोरेट्स पे लगाना चाहते हैं क्यों ये इससे फायदा इंडिया को क्या होगा कॉर्पोरेट टैक्स लगाना चाहते हैं करीबन पंद्रह से बीस का इससे क्या होगा जैसे मान के चलिए बहुत सारे टैक्स हेवन कंट्री हैं टैक्स हेवन कंट्री जैसे कौन से होते हैं टैक्स हेवन कंट्री जैसे मॉरिशस मान के चलिए मॉरिशस है, है तो क्या होता है वहाँ बहुत कम टैक्स लगता है टैक्स लगता ही नहीं है कॉर्पोरेट्स पे तो लोग क्या करते हैं कि जैसे इंडिया में उनकी एक इंडिया की कोई कंपनी है मान के चलिए इंडिया की कोई कंपनी है शिवम करके शिवम करके इंडिया की कंपनी है तो ये लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे इन्होंने इंडिया में तो एक ब्रांच खोल दी ये क्या करेंगे अपनी मैक्सिमम ब्रांच जो है मॉरिशस में खोलेंगे क्यों क्योंकि यहां तो टैक्स लगता ही नहीं है तो इनकी बस इसी ब्रांच पर टैक्स लगता रहेगा जो बाकी के मॉरिशस में ब्रांच है वहां तो टैक्स ही नहीं लगेगा इससे क्या होगा ये लोग अपना पैसा बचा लेंगे तो जब ये कॉर्पोरेट टैक्स सब जगह लग जाएगा तो फिर मॉरिशस को भी पंद्रह से बीस टाक लगाना पड़ेगा तो फिर ये जो इंडिया की जो कंट्री जो बाहर जाके अपना सेटअप कर लेती है वो नहीं करेंगी क्योंकि बाहर भी उतना ही टैक्स देना है इंडिया में भी उतना ही टैक्स देना तो ये सारी कंपनी फिर इंडिया में ही अपना सेटअप करने लगेंगी तो इसीलिए कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो इसकी बात चल रही है जो यूएस बोल रहा है देखिए लगता है कब से इसमें एक चीज आपको आप याद रखनी है ओईसीडी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट इसका भी एक

मीडिया पब्लिसिटी के लिए उन्होंने ऐसा करा अब देखा जाए तो चलिए मान लेते हैं मीडिया पब्लिसिटी के लिए करा है लेकिन एक चीज सोचिए कि उन्होंने ये जो चीज बोल रही थी वो बोलने में इनका कोई मेरे को नहीं लगता कि इन्होंने गलत चीज़ बोली है भाई जितना हम ये टेक्नोलॉजी को 5G, 4G, 3G कर रहे हैं इसका मतलब क्या है कि हम सिग्नल की स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं मोटी भाषा में देखें कि हम सिग्नल को इंक्रीज़ कर रहे हैं सिग्नल को हम हार्ड कर रहे हैं अभी क्या होता है जैसे आपका फोन नहीं मिलता फोन क्यों नहीं मिलता क्योंकि आपके सिग्नल कमजोर होते हैं सिग्नल क्यों कमज़ोर होते हैं क्योंकि टावर की इतनी कैपेसिटी नहीं होती तो अभी अगर ये ज्यादा हमने टावर लगा दिए तो इससे भाई जो हमारे जीव जंतु हैं मान के चलिए प्लांट्स पर भी कितना बुरा असर पड़ेगा बर्ड्स पर भी कितना बुरा असर पड़ेगा तो इनकी जो बात थी वो ठीक थी भले इन्होंने पब्लिसिटी के लिए कराओ मैं ये नहीं कह रहा एक मूवी भी आई

तो इंडिया वालों से पूछा गया कि प्लीज आप पेस्टीन को वोट कर दीजिए पेस्टीन वालों ने इंडिया को बोला तो इंडिया ने मना कर दिया इंडिया फ्रॉम वोट इंडिया का जो है वो स्टैंड अलग है आपको भी यही लिखना है अगर कहीं लिखने को आ रहा है या कोई पूछता है कि इंडिया का स्टैंड क्या है। तो यहाँ अंडरलाइन में कर रहा हूं यही है इंडिया हैज़ है टू स्टेट सोल्यूशन टू इक्वल सोवरेन राइट इज द फे फॉरवर्ड टू रिजोल्व ओल्ड क्राइसिस इंडिया का हमेशा इसराइल पेलेस्टीन में एक ही जो आउटपुट है हम एक ही चीज को मानते हैं टू स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए टू स्टेट सोल्यून होने चाहिए दोनों सोवरेन कंट्री का इसराइल अलग पेलेट

इनको मारा गया था इनका मैसेकर हुआ था तो पहली बार जो वहाँ के ट्रंप जो बिडन साहब हैं उन्होंने इसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कराया इस इस, इस इंसिडेंट को बस आपको यही याद रखना है तुलसा रेस मैसेकर किससे रिलेटेड है कि बहुत ज़्यादा किलिंग हुई थी किसकी एफ्रो की किलिंग्स हुई थी कहाँ पर हुई थी तुलसा ग्रीनवुड यू में हुई थी इसको पहली बार रिकॉग्नाइज किया है बस और याद नहीं रखना ठीक आगे चलते हैं

ये हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट चल रहा है हम गांधी जी की एंट्री करा चुके थे साउथ अफ्रीका में अब क्या हुआ गांधी जी साउथ अफ्रीका पहुंच गए वहाँ की सारी समस्या सुलझा दी तो इंडिया के लोगों ने उनको बुला लिया तो वो इंडिया अपने वापस आ गए कंट्री फिर इंडिया में आके उन्होंने क्या क्या काम करा वो यहाँ से शुरू हो रहा है पहला का... उन्होंने जो काम करा था वो करा था चंपारण सत्याग्रह जो नाइनटीन में हुआ ऑलरेडी क्रोनोलॉजी बनाने को पूछ लेता है तो चंपा पहले आया था चंपारण फिर आया था अहमदाबाद फिर आया था खेड़ा चंपारण अहमदा खेड़ा इसको काक की तरह याद करेंगे शॉर्ट फॉर्म काक चंपारण अहमदाबाद खेड़ा ये इसकी याद करने की ट्रिक है जो हम पढ़ते हैं ये पहला सवाल जो यही बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है सबसे इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट कि किसको हम फर्स्ट सिविल डिसोबीडियस मूवमेंट बोलते हैं तो चंपारण सत्याग्रह को ही हम फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बोलते हैं किसके अगेंस्ट था अगेंस्ट तीन खटिया सिस्टम थ्री बाय ट्वेंटी तीन खटिया सिस्टम कुछ नहीं था ये लैंड थी इसमें तीन बायस भाग जो है वो आपके पास रहेगा वो हाँ आपके पास रहेगा बाकी का सारा भाग जो है वो आपको अंग्रेजों को देना पड़ेगा तो इसके विरोध के लिए था अगेंस्ट तीन खटिया सिस्टम पीजेंट हैव टू ग्रोज इंडिगो इंडिगो एक प्लांटेशन को कंपलसरी कर दिया गया था कि जितने भी जो हैं फार्मर जो पीजेंट उन सबको अपनी जमीन पे इंडिगो ही उगाना पड़ेगा ये कंपलसरी कर दिया था इसके अगेंस्ट था कौन किस किस लोगों ने गांधी जी का साथ दिया था तो राजेंद्र प्रसाद कृपलानी हक नारायण सिन्हा महादेव देसाई नरहारी पारिक, ये सब गांधी जी के साथ थे ये ऑलरेडी यूपीएससी सीएसई में पूछा जाता है आपके में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला पॉइंट फिर भी आप पढ़ सकते हैं बाकी के जो वो इंपॉर्टेंट है तो बाद में जो डिसाइड करा तो गांधी जी ने पच्चीस मनी रिटर्न करवा दिया था यह पूछा जाता है कितने परसेंट मनी रिटर्न करवाया था तो कमिटी ऑफ इंक्वायरी बैठी उसमें पच्चीस की बात गांधी जी ने बोल दी थी और पच्चीस जो पैसा है वो रिटर्न करवा दिया था अंग्रेजों से इंडियन लोगों को तो बस इसमें चार मूवमेंट याद रखना है पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है तीन कटिया सिस्टम के विरोध में था सबको इंडिगो अपने लैंड पे कंपलसरी करनी थी इसके विरोध में था 25 परसेंट में गांधी जी ने बात को सुलटा दिया ऐसे याद करना है बस और कुछ याद नहीं करना है चंपारण के बारे में बस यही पूछा जाता है आप चेक कर लीजिए कोई भी पेपर चंपारण में इससे अगेंस्ट कुछ और नया क्वेश्चन नहीं, नहीं बना है ठीक है तो आज की न्यूज इतनी थी आई होप यू लाइक में लेक्चर प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अभी अहमदाबाद खेड़ा बचा है वो छोटा छोटा वो मैं एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर दूंगा आई होप यू लाइक में लेक्चर तो आज का जो सवाल है कि वो ए, एजुकेशन जो है एजुकेशन को स्टेट लिस्ट से उठा के जो हमने कंकरेंट लिस्ट में डाला है वो किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तहत के डाला है ये आज बताएंगे और आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं मेरी इंस्टाग्राम आईडी है शिवम अंडरस्कोर त्यागी अंडस्कोर एस टी सो आई होप यू लाइक माई लेक्चर प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो फो स्ट स्टडी फंड ऑन टेलीग्राम इंस्टाग्राम सो यू कैन गट द लेटेस्ट अपडेट या आप प्लीज लाइक तो कर दिया करो जितने लोग देख रहे हैं उतना ही लाइक करो यार शेयर तो आप लोग करोगे नहीं <laughs> बोलने का फायदा नहीं चलिए कोई बात नहीं आप लोगों की इच्छा पढ़ती रही मेहनत करती रही साइनिंग ऑफ टूडे तो बाय बाय